नमस्कार किसान भाइयों, हम आज आए हैं एक सरसों का खेत का विजिट करने। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सरसों की खेती की जाए कि आपकी सरसों लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ हो। इसमें हम आपको दिखाएंगे स्वयं किसान से पूछकर कि किसान ने क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। आप भी अगर सरसों की खेती करते तो सरसों वीडियो को देख रहे ज़रूर। हम चलते हैं किसान के पास। ये देखिए, अगर पेड़ की बात करें हम सरसों का पेड़ कैसा किया है, तो ये देखिए पेड़ कितना मोटा है, कितनी सारी डगीन है इसमें। ये देखिए सरसों का पेड़ या फिर कोई झाड़, इस पर आदमी चढ़ सकता है मान लो। ये देखिए कितने मोटे मोटे पेड़ है एकदम, है ना। और ये सरसों की हाइट की अगर बात करें तो हम लगभग 6.5 फीट के आसपास से 6 से 7 फीट इसकी हाइट गई हुई है। ये देखिए जैसे 5.5 फीट का, चलो चलो राम राम किसान भाई। जय राम। हाँ, ये आप सरसों की खेती की आपने कितने एकड़ में लगाया भाई साहब? 1 एकड़ में लगाया है। हाँ, तो इसमें आपने क्या क्या डाला है जरा कुछ बताएंगे क्या? इसमें डाला है जिंक, हाँ, सल्फर, हाँ, और 1 बोरी DAP, हाँ, आधी बोरी यूरिया। ये जब मतलब सब बोनी के समय में डाला है, बोनी के बाद में डाला है? बोनी के समय, मतलब मिला के बोया सब। हाँ, सब चीज़ मिला के बोया। हाँ, 1 एकड़ मतलब कितनी कितनी मात्रा ली आपने? हमने 5 किलो सल्फर है, हाँ, 5 किलो जिंक है, हाँ, और 10 किलो सुपर फास्फेट, हाँ, और 1 बोरी DAP। 1 बोरी DAP है ना। और शेड्यूल से बोया इसको? शेड्यूल से बोया। और सरसों की मात्रा कितनी ली है इसमें? सरसों की मात्रा 1.5 किलो। 1.5 किलो 1 एकड़ पे? हाँ, ये शेड्यूल मतलब सरसों थोड़ी पतली रहना चाहिए लेकिन मतलब बहुत अच्छी है ना। क्या आप अपने बीच थोड़ा सरसों में घुस के बताएंगे क्या इसकी हाइट कितनी है? ये देखिए भाई साहब, आप ये 5.5 फीट का आदमी है जो पूरा डूब गया है, हम छेले पे मतलब बीच में नहीं है। और ये लगभग कोई कोई सरसों है जो 1 फीट के आसपास उससे ऊँची, मतलब ये लगभग 7 फीट, 6.5 फीट तो हाइट से कहीं से कहीं तक नहीं गई है। और पेड़ की बात करें तो पेड़ इतने ज़बरदस्त बने हुए कि बहुत अधिक गहराई में, बहुत बढ़िया पेड़ है। ये देखिए पेड़ दिखा रहे हैं, पेड़ पूरे बढ़िया है, बहुत मोटे पेड़ एकदम, आधा इंच के करीब, 1 इंच के करीब करीब मोटाई है। हाँ, और फुटान की अगर बात करें इसमें तो, कल्ले की तो लगभग एक एक में 10 से 12 कल्ले निकले हुए हैं, है ना। और अभी ये बोने का टाइम क्या है लगभग, इसका टाइम कितना हो गया है? 1.5-2 महीने हो गए। 2 महीना। हाँ। और कोई बोलते हैं कि सरसों में लागत तो कम आती, मतलब पानी भी कम देना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारा तो 4 पानी हो गया। ये भी सब देखो, ये भाई साहब देखिए, आप ये 4 पानी हो गया है सरसों को। चौथा पानी, ये देखिए हम आपको सरसों का खेत दिखा रहे हैं, ये 4 पानी हो चुका है। और कोई बोलते पानी नहीं देना चाहिए, ये थोड़ी रेतीली भाटा टाइप की जगह है, तो इसमें 4था पानी चल रहा है लगभग। इसमें क्या 1 पानी और लगेगा क्या? 1 पानी और लगेगा इसके बाद, मतलब अभी 1 पानी और देंगे, मतलब 5 पानी देंगे। और तो भाई साहब देखिए, पानी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर काली जमीन तो आप 4 दे सकते हैं। कोई बोलते सरसों में पानी नहीं देना चाहिए, मतलब सरसों में पानी देना चाहिए भाई साहब, है ना, देना चाहिए पानी। हाँ, पानी से पौधा बढ़ता है। हाँ, पानी से क्या जितनी नमी रहेगी उतना अच्छा पौधा डेली बढ़ते रहेगा, मतलब वो अगर रुकेगा बेचारा, सूखेगा, कुमलाएगा तो कैसे बढ़ेगा। हम आपको एक और ज़बरदस्त पेड़ से मिलाने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए कितने मस्त मोटे मोटे पौधे बने हुए हैं। अब भाई इसमें इतने सारे पौधे रहेंगे तो इसमें फलन क्षमता भी रहेगी ना। ये देखिए मस्त एकदम ऐसे कल्ले की है जैसे कि कोई सरसों के पेड़ नहीं है, झाड़ है जी। ये देखिए हाइट की बात करें तो मुझे लगभग 7 फीट के आसपास हाइट है सरसों की। ये देखिए ना, अगर हम दूर से बात करते हैं, ये देखिए हाइट की बात करें हम, यहाँ पर कुछ वो रह गया है। ये देखिए हाइट की बात करें तो ये 7 फीट के आसपास हाइट है सरसों की। अभी हम आपको एक पेड़ से मिलाने जा रहे हैं, ये पेड़ देखिए, ये पेड़ है या झाड़ है, इस पर देखिए डगिन है ना, कितने कितना मोटा झाड़ है मस्त। इसमें अगर फुटान की बात करें तो 10 पेड़ 10 आराम से बने हुए हैं। अगर हाइट की बात करें तो हम सरसों की हाइट, मोबाइल पकड़ेंगे थोड़ा सा, ये देखिए मैं 5.5 फीट का हूँ, तो मैं ज़रा सरसों के पास जाता हूँ तो लगभग हाइट का पता चल जाएगा कि 7 फीट के आसपास सरसों बड़ी हुई है। ये देखिए है ना, 7 फीट के आसपास सरसों बड़ी हुई हाइट्स, क्योंकि हम छेले पे अभी बीच में नहीं घुस सकते हैं, मतलब 7 फीट सरसों की हाइट पूरी पूरी गई हुई है। और इसमें अगर कल्ले की बात करें तो बहुत अधिक कल्ले की मात्रा भी है। ये देखिए हर एक पेड़ मतलब ऐसे ही बने हुए हैं, अभी ये छेला पे मतलब बीच में भी सरसों ऐसी ही है, हमें चलते नहीं बन रहा, हम तो सिर्फ ऊपर से पानी छोड़ दे रहे हैं और ये अपने आप चला जाता है ना भाई साहब? अपने आप पानी, हाँ, मतलब ऊपर से पानी छोड़ दो, अंदर कटे हुए, हाँ, अंदर घुसने की कोई जगह नहीं बची इसके अंदर, है ना। इतना ज़बरदस्त पौधा बना है कि अभी तो ये फूल पे है अच्छी खासी, अभी तो 1 महीना लगेगा इसको। हाँ ठीक है किसान भाई, राम राम। जय राम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से सरसों की खेती की है, इसमें क्या क्या डाला है, सब कुछ बताया भाई साहब ने। और इसमें जुताई 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है?
इसमें एक बार तोता प्लाऊ है, हाँ, और एक बार रोटावेटर और बो दिए। हाँ मतलब थोड़ी गहरी जुताई चाहिए इसको, है ना। ठीक है भाई साहब, है ना। ये देखिए अब पानी भी चल रहा है, पानी भी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए कि फसल कैसी बोई जाती है, क्या क्या उसमें डालना चाहिए, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।